हेलो फ्रेंड्स, आज आपको बताएंगे कोल्ड एंड कफ एंड इन्फ्लुएंजा, आपको कोर्जिया की बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे, आपको सर्दी नजला जुकाम होने का कारण बताएंगे, आपको इसके सिम्टम्स बताएंगे। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना और तभी तो चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सर्दी नजला जुकाम विशेष तौर से विंटर के मौसम में जब सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं उस समय अधिक देखने को मिलता है। वैसे तो यह हम आपको कभी भी किसी भी समय हो सकता है। जब सर्दियाँ आती हैं विशेष तौर से आपको कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे कि आपके सिर में दर्द हो सकता है, नजला आ सकता है, आपकी आँखों में दर्द हो सकता है, आँखों से पानी आ सकता है और आपको फीवर बुखार भी आ सकता है। दोस्तों, जब किसी को सर्दी लग जाती है तब उसे सांस लेने में भी परेशानियाँ होने लगती है, ब्रोंकाइटिस की समस्या हो सकती है, बच्चों को निमोनिया भी हो सकता है। और जब बच्चों को निमोनिया हो जाता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, सीने में दर्द होता है, सांस नहीं लिया जाता है और फीवर भी रहता है, सिर में दर्द रहता है, पूरे ही शरीर में उसकी दर्द हड़कल बनी रहती है। दोस्तों, अगर किसी को सर्दी नजला जुकाम की समस्या हो जाती है तब आपके लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रहे हैं। यह मेडिसिन आपको 100% पुराने से पुरानी कोल्ड एंड कफ इन्फ्लुएंजा की समस्या को हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है। अगर एक्यूट की भी बीमारी है तब भी आपको 100% रिलीफ मिलेगा। और दोस्तों, ये मेडिसिन आपको एक बार यूज़ करने के बाद बार बार नहीं लेनी है, क्योंकि ये मेडिसिन आपको मात्र एक दो दिन में ही रिलीफ दे देती है और आप फिर से कोल्ड एंड कफ की चपेट में नहीं आते हैं। पहली और बेस्ट मेडिसिन है एकोनाइट निप 30। दोस्तों, एकोनाइट 30 प्रेगनेंसी में लेनी है। आपको यह मेडिसिन उस समय लेनी है जब आपको एक्यूट डिजीज होती है, यानी कि नया रोग होता है, जब आपको अचानक सिर में दर्द होता है, आपकी आंखों में दर्द होता है, आपको नजला जुकाम की समस्या हो जाती है, फीवर भी हो सकता है, बेचैनी रहती है, मानसिक बेचैनी रह सकती है और आपको भय यानी डर भी लगता है, तब आपको यह मेडिसिन लेनी चाहिए। आपको बस ध्यान यही रखना है, एक्यूट नए रोग में आपको यह मेडिसिन लेनी है, आपको नजला जुकाम की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। एकोनाइट की आप दो दो बूंद दिन में 3 बार जीभ पर डालें। दोस्तों, आपको एक्यूट रोग को हमेशा के लिए यह मेडिसिन खत्म कर देती है। अगली मेडिसिन है ब्राइनिया। दोस्तों, ब्राइनिया 30 प्रेगनेंसी में लेनी है। ब्राइनिया 30 भी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन। ब्राइनिया को आप उस समय लें जब कभी भी अगर आपको बेचैनी बनी रहती है और आपके पूरे शरीर में दर्द रहता है, विशेष तौर से बोन्स यानी कि हड्डी तोड़ दर्द रहता है, तब आपको यह मेडिसिन लेनी चाहिए। जब आपको नजला जुकाम की समस्या हो जाती है और आप आराम से लेटे रहते हैं, यानी कि आराम से लेटे रहते हैं बिना हिले डुले, आपको आराम मिलता है। जैसे ही आप हिलना स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा बहुत चलते हैं, तो आपको परेशानियाँ होने लगती है और आपका नजला बहने लगता है, आपको सिर में दर्द हो सकता है और आपको खांसी भी आ सकती है। ब्राइनिया का पेशेंट बार बार पानी पीता है और अधिक मात्रा में पानी पीता है, सर्दी नजला जुकाम यानी कि उसको नाक भी बहती है, उसके सिर में भी दर्द रहता है, बुखार भी आ सकता है, खांसी भी रहती है, तब भी उस स्थिति में भी वह पानी पीना अच्छा लगता है, तब आपको ब्राइनिया 30 की दो दो बूंद दिन में 3 बार जीभ पर डालनी चाहिए। दोस्तों, यह मेडिसिन आपको 100% कोल्ड एंड कफ इन्फ्लुएंजा एंड कोर्जिया से छुटकारा दिला देती है। नेक्स्ट मेडिसिन है जैल्सीवियम 30। जैल्सीवियम 30 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन। इन्फ्लुएंजा की एक रामबाण औषधि है। इन्फ्लुएंजा में दी जाने वाली बेस्ट मेडिसिन है। जब पूरा शरीर में दर्द रहता है और वह बहुत ज़्यादा बेचैन रहता है, उसको कोल्ड एंड कफ की समस्या रहती है, नाक बहती है, सिर में दर्द रहता है और वह हमेशा चाहता है कि वह लेटा रहे, आराम के साथ लेटा रहना चाहता है और देखने से ऐसे लगता है जैसे उसे नींद आ रही है, बार बार उसकी आंखें बंद होती हैं और वह हमेशा उदास रहता है, यानी किसी से बोलने का भी मन नहीं करता है, तब आपको जैल्शियम 30 दिन में 3 बार यूज करनी चाहिए। दोस्तों, बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। इन्फ्लुएंजा की समस्या को, फीवर आने की समस्या को और उसके शरीर में दर्द हो रहा है वह भी समस्या ठीक हो जाती है, बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन। नेक्स्ट मेडिसिन है कोर्जिया टैबलेट। GHL कंपनी का एक पेटेंट प्रोडक्ट है। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। दोस्तों, यह मेडिसिन सर्दी नजला जुकाम प्लस फीवर की बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। यह है कोर्जिया टैबलेट GHL कंपनी की। जब दोस्तों आपको कभी भी सर्दी नजला जुकाम फीवर और आपको हड्डी तोड़ ज्वर रहता है, आपके पूरे शरीर में दर्द रहता है, सिर में दर्द होता है, प्लस आपकी आंख से पानी बहता है, नाक से पानी बहता है और आपको बेचैनी बनी रहती है, शारीरिक और मानसिक बेचैनी की बेस्ट मेडिसिन है। कभी भी अगर आपको इन्फ्लुएंजा हो गया है, कोल्ड एंड कफ की समस्या हो गई है, फीवर की समस्या है, क्रोनिक से क्रोनिक और एक्यूट समस्या को हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है, बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। दोस्तों, आप इसकी दो दो गोली दिन
में 3 बार यूज कर सकते हैं। आप इसकी हर 2-2 घंटे के अंतर से भी 2-2 गोली यूज कर सकते हैं और इसको आप डायरेक्ट मुंह में डालें और चूसने के बाद हल्का गुनगुना पानी पी लें। आपको 100% यह कोर्जिया से, इन्फ्लुएंजा और कोल्ड एंड कफ से हमेशा के लिए छुटकारा दे देती है। बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन। अगर विंटर के मौसम में सर्दियाँ आने पर आपको इस तरह की समस्या देखने को मिलती है तब आप इसका प्रयोग जरूर करें। बच्चों के निमोनिया की समस्या को भी खत्म कर देती है और बच्चे के सीने में जब घर घर की आवाज़ आती है उसे भी ठीक कर देती है। बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। दोस्तों इसके कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसके अंदर यूफ्रेशिया, जेलसीमियम और यूपिटोरियम पर्व और नेटम्यूर, जो कि दोस्तों कोल्ड एंड कफ एंड इन्फ्लुएंजा और आपके फीवर, सिर के दर्द की बेस्ट मेडिसिन है। आपको 100% कोल्ड एंड फीवर से छुटकारा दिला देती है। तो आपको कोल्ड एंड कफ की और अधिक जानकारी चाहिए तब आप हमारी वेबसाइट pariupchar.com पर देख सकते हैं। आपको pariupchar.com की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना ताकि कोल्ड एंड कफ की समस्या जूझ रहे लोगों को इस वीडियो को देखने से उनको लाभ मिल सके और वे इन्फ्लुएंजा की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सके। दोस्तों आप सभी का हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।